नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमिटोन 10 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, एमिटोन 10 टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट एमिटोन 10 टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, एमिटोन 10 टैबलेट की बात करें तो इसको इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर एमी ट्रिप्टाइलिन 10 mg इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इस टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 17 रुपीज़ की इस पर MRP होती है। 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, यह एक एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है। इसका इस्तेमाल जो डॉक्टर के द्वारा मेनली जो करने की सलाह दी जाती है, दोस्तों यदि किसी को डिप्रेशन की समस्या रहती है, दोस्तों डिप्रेशन में डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी पेशेंट को माइग्रेन की समस्या रहती है, दोस्तों यदि किसी के माइग्रेन का दर्द रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, यदि किसी के नसों में दर्द रहता है, दोस्तों यदि किसी की नसों की दर्द की समस्या से परेशान है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इस टैबलेट को बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। दोस्तों, यदि कोई चिंता की समस्या से परेशान है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट के डोजेस की बात करें तो डॉक्टर के द्वारा एक एडल्ट व्यक्ति को सुबह शाम एक एक टैबलेट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इसकी मात्रा को कम या ज़्यादा भी दिया जा सकता है, ये मरीज़ की कंडीशन पे डिपेंड करता है। दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो चक्कर आ सकता है, थकान हो सकती है, नींद हो सकती है, कब्ज हो सकती है, इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी डॉक्टर की एडवाइस पर ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।